वाओ, मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसे रखते हैं मीरा गिनती खातिर? हमने अभी तक वो फोन चलाया भी नहीं है, डर लग रहा है कि कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। ऐसा समय ही आ गया है कि उसके बगैर हम नहीं मतलब पीछे रह जाएंगे। मुझसे तो पूछते हैं तो मैं भी पूछ लेती हूँ कि आप कौन से कास्ट के हैं। अब वो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैं भी कह देती हूँ मैं भी ब्राह्मण हूँ। जो खबर लिखनी होती है उसमें पैसा नहीं लगता है, इसलिए हमसे उतनी ही बात करी जितना समझ में आया। हमारे प्रदेश में दलित औरतों का पत्रकार के रूप में कोई सोच भी नहीं सकता। 14 साल में हमने इस मानसिकता को काफी हद तक बदला है। इन दमंग लोगों ने क्या किया, उसको पत्थर मारकर हत्या कर दी और किसी पर भरोसा नहीं। एक लहरिया ही ऐसे न्याय दिला सकती हो। एक हैरान वाली बात है कि थाने को पता नहीं, पुलिस स्टेशन को पता नहीं है कि मैं उस जगह से हूँ। मार दिया, मारू है। मेरे लिए तो बहुत ही रिस्की है। कभी 11 बजे कभी 12 बजे, कोई टाइमिंग है नहीं है। इस जगह पे मैं हूँ, उस जगह पे अगर आप होते तो क्या करते? पहले अपना काम बाद में देखते। मुझे तो नहीं लगता है। जो आपके साथ संगठन है वो देश के भविष्य में किस तरह भागीदारी में? संघ शक्ति कलयुग है, संगठन है, संगठन में शक्ति हो। डर लग रहा दीदी अभी तो। खबरें कहाँ गईं? कोई खबर दिख ही नहीं रही है। जो हमारी कवरेज होगी वो अन्य मीडिया से बहुत अलग होगी। हर कोई को जानना चाहिए कि हाँ हम पत्रकार थे, एक महिला पत्रकार, और किस तरह की पत्रकारिता हमने की है। मेरा दिल हौसला देता है मेरे लिए।